खरगोन की कुंदा नदी पर चल रहे नव निर्माणाधीन पुल के नीचे कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया है। हम आपको बता दें कि मछली पकड़ने पहुंचे युवक जावेद ने कंकाल को देखा और पुलिस को सूचना दी। लिहाजा SDOP रोहित अलावा और थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले पुलिस दल बल के साथ फॉरेंसिक टीम लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि प्रथम दृष्टया कंकाल पुराना है और नदी के तेज बहाव में आया होगा। बहरहाल पुलिस मामले की पड़ताल करके जांच कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, क्या देखा आपने? मैं मछली पकड़ रहा था, एक मछली मेरे हाथ से अचानक छूट गई और वो पिल्लर के नीचे जाके भरा गई। तो मैं उसको ढूंढने की वजह उसको खींचने लगा, वो कपड़े वगैरह सब सामान हटाने लगा तो वो मेरे हाथ में कंकाल आया। वो कंकाल के आधार पर मैंने सूचना कर दिया। क्या नाम लिखते हो? जावेद खान। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि नए ब्रिज के नीचे कुछ मानव के कंकाल हैं। अभी हम लोग आके देखे हैं, बहुत पुराने कंकाल है, पूरी बॉडी जो है डिकम्पोज हो चुकी है, सिर्फ हड्डियाँ भी गलने लगी है और कहीं कोई मांस भी नहीं बचा हुआ है। इंसान की हड्डियाँ समझ में आ रही है। हम लोग अभी मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं और जो भी जाके पाया जाना है आगे कार्रवाई। क्या लगता है सर इसमें प्रथम दृष्टि क्या हो सकता है? देखिए, चूँकि ये नदी है, यहाँ बहाव भी बहुत तेज रहता है। प्रथम दृष्टि तो लग रहा है कि बह के आए और जो पिल्लर है बूटे हुए उनके नीचे फंसा रहा, उसके ऊपर कचरा भी जमा हुआ था, कहीं से बह के आके फंसा रहा, अभी किसी की नज़र पड़ी उस पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।